टीएम टेलीविजन की जानिब से शौकत का सलाम। आज हम कुछ बात करेंगे अपने डबल स्टैंडर्ड दोहरे मायारों के बारे में। एक दफ़ा हम एक होटल में बैठे अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे। इतने एक साहब अंदर आए, नौजवान थे, नौजवान अंदर आए और साथ वाले टेबल पे जाकर उन्होंने कहा, यार तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया और तुम वहाँ से आ गए, मुझे बस स्टॉप से पैदल आना पड़ा यहाँ होटल तक। उसने कहा, तुमने मुझे 4 बजे टाइम दिया था, 4 बजे तक तुम नहीं आए, मैं 4:15 बजे होटल पे आ गया, तो तुम्हें वक्त पर आना चाहिए था ना, जब तुमने कहा था। तो वो कहने लगे, यार मैं कोई अंग्रेज़ का बच्चा हूँ क्या वक्त पर आऊँ? मैंने कहा, दिल में सोचा क्या हुआ, हमारे भी क्या रवैये हैं कि किसी की अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती है और अपनी गलत बातें भी हम दूसरों को बताते भी हैं, अच्छी भी लगती है। तो मैंने देखा कि वो साहब जो हैं, वो जो नौजवान हैं, वो नेकर पहने हुए, नीचे कैंची वाली जैकेट जो चप्पल पहनी हुई है और गले में उन्होंने चेन वन डाले हुए, बाल उन्होंने शुतुरमुर्ग कटाए हुए, वो साइड से जो होते हैं क्या नाम, बीच में बाल और साइड से बिल्कुल साफ, और मैंने उनसे कहा क्या नाम, मैं सोच रहा, मैंने कहा यार ये अजीब आदमी लगता है मुझे लड़का, कि अजीब शौलिए बना रखा है और उनके अच्छी बात की बुराई करता है, खुद देखें सब वो बना हुआ उन जैसे। तो उनसे मैंने कहा यार आपने ये जो ये सहूलियत बना रखा है, ये ना हमारी तहजीब है, ना हमारा कल्चर है, ना हमारा मज़हब हमें कहता है, तो आपने ये सब अपना रखा है। देखो उनकी अच्छी बातें जो हैं वो हमें अपनाने में कोई बात नहीं है, उनकी अच्छी बातें तो सच बोलते हैं, वो सौदा पूरा तोलते हैं, वो धोखेबाजी नहीं करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, तो आप ये क्यों नहीं अपनाते? कहते ये तो सब चीज़ें हमारी तो थी, हमसे तो लिए उन्होंने। अच्छा तो हमसे लिए तो यार आप अपना लेना उनको, क्या लगे ये सब पुरानी बातें, उन्होंने हमारी पुरानी बातें अपनाई है ना, जो आउटडेटेड है, वक्त निकल गया उस बात का ना, अब तो जो बातें आज वो कर रहे हैं वो हम अपना रहे, नई बातें वो हमारी पुरानी अपना रहे, तो अपना रहे उनको। मैंने कह रही ये शक्ल बड़ा अजीब है। मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताएं कि सब ने आपने क्या हरकत जो कर रखी है, इसकी कोई ख़ास वजह है क्या? ना कहने बात यह है कि देखिए मैं निकर पहन रखी है, मैंने इसमें मेरे बड़े फ़न की चीज़ें हैं बड़ा। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा जब मैं रात में जाता हूँ अंधेरे से तो मेरी टांगें और अंधेरा का एक ही रंग होता है, तो ये होता है कि जो सामने से आ रहा होता है वो मुझे देख के डर जाता है कि बगैर टांगों वाला इंसान कहाँ से आ रहा है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं खूब हंसता हूँ, इसको मैंने बेवकूफ़ बनाया। दूसरा ये कहना है, ये जो आप बालों की मेरी बात कर रहे हैं कि मैंने शुतुरमुर्ग बाल कटाए हुए, ये एक्चुअली मैंने साइडों से साफ करके ऑक्सीजन की ताज़ी हवा जो है उसको कानों तक जाने की पूरी आज़ादी दी है कि वो कानों तक मेरे जाए, ताकि मेरे दिमाग के अंदर जो कीड़ा है खन्नास का वो ताज़ी हवा ताज़ा ऑक्सीजन उसको मिलता रहे, ताकि वो तंदुरुस्त अच्छा रहे। और चेन, मैंने कहा चेन आपको पता है, ये उनको लोगों को कुत्तों से बड़ा प्यार है, यहाँ तक के बाद का तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा कुत्तों से प्यार करते हैं, अपने साथ सलाह भी लेते हैं।
और ये उसी हवाले से वो फिर वो गले में चीने पट्टे वट्टे डालते हैं, क्या नाम है, उनसे अपने आप को उनसे दिखाने के लिए। कह लेंगे कमाल करते हैं, आपके आपके जो चेन पड़े हुए हैं गलों में वो तो आपको दिखते नहीं है ना, आप दूसरों की बात करते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात तो आप, ये बात तो मैं आपकी माने लेता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे गले में चेन पड़े हुए हैं लसानियत के, और फिरका वारियत के, और अपना तासुब के, ये चेन तो वाकई पड़े हैं हमारे गले में, और ये हमने डाले नहीं, हमारे हमारे गले में डाले गए हैं, ये और बात है कि हमने उनको खुशी से कबूल कर लिया। बारह ये सारा बात सुनाने का मकसद ये था कि हम अपने कॉल फेल पे नज़र डालें, और अगर हो सके तो हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। इस मौके पे एक शेर है, शायद आपको पसंद आए। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे बन जिंदगी, मेरा नहीं बनता है ना बन, अपना तो बन। पाकिस्तान जिंदाबाद।